ऐसे भर रहे हैं अपन कोल्ड ड्रिंक बोतल में। तो भैया सामने हो गया एक्सीडेंट, एक गाड़ी तक जाना है अपन को। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, होप यू गाइस डूइंग फाइन। बहुत टाइम के बाद व्लॉग कर रहा हूँ मैं, 10-12 दिन हो गए। और मैं सुबह जा रहा हूँ अभी मम्मी की ड्यूटी छोड़ने, और ऐसी बारिश हो रही है आपने देखी होगी अभी। मैं भीग गया छाते के बावजूद भी। ए देखो भाई वाटर क्रॉसिंग, कितना पानी में है गाड़ी सामने देख लो। और यहाँ देखो गड्ढे अड्डे भी है, अगर ये भर गए ना पता नहीं चलेगा सामने वाला कहाँ गया। यहाँ फिर भी ठीक रहेगा रोड थोड़ा सा, क्योंकि अब बना है कुछ टाइम पहले। वही इधर फंसे देखो अभी, यहाँ पानी भरा है और अभी एक सेंटर हो गई थी आधी डूब गई थी इसके अंदर। तो अभी ट्राई करेंगे इससे निकालने का, लेकिन ये लोहा पड़ा है बीच में। तो भाई चलो अपन डाल रहे हैं ऐसे गाड़ी, देख रहे हो पानी कहाँ तक है, बोनट पूरा भीग गया। फर्स्ट गियर पे जा रही है गाड़ी, आरपीएम देखो कहाँ है, ये देखो। भोपाल में ये एडवेंचर होते रहते हैं अपने यहाँ, लेफ्ट ना सीधा। तो भाई एक बार देखो फिर से सारा पानी चालू हो गया और यहाँ इतना भर जाता है। और भाई सिटी ऐसी भरी हुई है ना कि अब मैं सिटी के बीच से तो जाना ही नहीं वाला यार, क्योंकि बार बार ऐसे इतने डीप पानी से गाड़ी निकालना बहुत रिस्की हो जाता है। एक बार तो आपने ठीक है निकाली, और वैसे भी ये मारुति है देख लो, कुछ भी हो सकता है। इंजन तो धोखा नहीं देगा साथ में, लेकिन कहीं बम्पर हम्पर उखड़ गया है ना। वैसे आज तक उखड़ा तो नहीं, मैंने अपनी स्विफ्ट ऐसे ऐसे पानी में कुदाई है। पता नहीं भाई कल से क्या हो गया है, इन लोगों ने किलोल के सामने से निकलने वाला रास्ता ही बंद करके रखा है। कल तो वीआईपी रोड भी बंद था पूरा सुबह के टाइम, दोपहर में रहा होगा कि मेरे को पता नहीं, कोई गया होगा तो भाई कमेंट करके बताना। और आजकल बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, मतलब 2 दिन से देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा चेकिंग लगी हुई है, पता नहीं किस वजह से है। तो देखो अभी इतना लंबा वहाँ से घुमा के लाना पड़ा हमें, वो पूरा रोड बंद करके रखा है, ये वाला रोड भी बंद करके रखा है पेट्रोल पंप के सामने वाला। देखो ये देखो, तो आदमी पेट्रोल पंप के लिए भी आना चाहेगा तो उधर से मुड़ के आना पड़ेगा। चलो वीआईपी पहुंच के देखते हैं वहाँ कैसा है। तो भाई आज तो खुला हुआ है वीआईपी रोड, और थोड़ा सा देखो फॉग हो रहा है, तो इससे विजिबिलिटी है ही नहीं। मेरे साथ कोई होता तो मैं दिखाता उस साइड पे आपको। ओ भाई जैसा सर तुमने अभी टाइटल वगैरह देख लिया होगा या थंबनेल वगैरह देख लिया होगा, तो मेरे को जानी है जवान देखने। वो जो थिएटर है ना जिसमें मेरे को जाना है, वहाँ पे उसकी पार्किंग अंडरग्राउंड है, और सिंगल स्क्रीन तुम्हें मालूम है ज़्यादा मेंटेनेंस करते नहीं है, वो पानी अगर भर जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी यार। तो चलो अभी देखते हैं कैसा होता है, जाना हो भी रहा है या मैं टिकट्स कैंसिल करके नेक्स्ट डे की करूँ। रिफंडेबल भी नहीं है वो टिकट्स, मेरे को फ्री में बुक हो गई थी यार। और वो फ्री में कैसे हुई थी मैं बताता हूँ, मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा मैंने फ्री में टिकट्स कैसे बुक की। तो बने रहना भाई वीडियो के पूरी है, और लाइक कर दो यहाँ तक देख लिया है तो। टेकरी देखो जरा, दिख ही नहीं रही टेकरी यहाँ से, बिल्कुल भी टेकरी नहीं दिख रही है। 9:30 होने वाले भाई, और मुझे भाई 11 बजे शायद से पहुंच जाना है वहाँ, क्योंकि 11:30 का शो है। और उधर पार्किंग ना सीधी सीधी है तो दिक्कत हो जाएगी गाड़ी लगाने में, अगर पीछे लग गई ना तो फिर वापस निकलते टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है गाड़ी निकालने में। तो हम जल्दी से घर पहुँचेंगे और रेडी होके सीधा निकलेंगे, अभी लियो डाना और खाना भी देना है मेरे को। तो भाई 9:40 हो गया यार घर पहुँचते पहुँचते। अब भाई जो बस अपनी शर्ट निकाल ली मैंने, शर्ट प्रेस करूँगा और बस अब रेडी होके मिलता हूँ आपसे। तो भाई जल्दी जल्दी रेडी होके निकल गया मैं, 10:37 हो रहा है, 11:30 का शो है। ट्राई करूँगा 20 मिनट पहुँच जाऊँ, ज़्यादा कुछ दिखाऊँगा नहीं रोड में। भाई मैं भूल ही गया कि साला मीनार का काम चल रहा है, और वहाँ भाई ऐसा ट्रैफिक लग रहा पानी के चक्कर पर, तो बारिश भी होने लगी वापस से, वहाँ ऐसा ट्रैफिक लग रहा मेरे को इंद्रपुरी से आना पड़ा। देखो यहाँ अंदर से आना पड़ा, क्योंकि अगर वहाँ खड़े होते तो भाई बाजा बज जाती। तो भाई अभी देखो अपन खड़े हैं ज्योति टॉकेज के बाजू में, ये खड़ा टॉकेज, अपन ने लिए कोल्ड ड्रिंक अपन भर के लेके जा रहे हैं, दिखा रहा हूँ कैसे।
ऐसे भर रहे हैं अपन कोल्ड ड्रिंक बोतल में, और आधी तो गिर चुकी है। अभी भर के अपन सीधा अंदर जाएंगे, चिप्स नहीं ले जा रहे, चिप्स अंदर से ले लेंगे, कोई टाइम नहीं है। तो भाई अपन आ चुके हैं अभी थिएटर, कहाँ यहाँ से हाँ, अभी टिकट दिखाएंगे भैया को और सीधा अंदर ना, तो सीधा मूवी के बाद मिलेंगे भाई। तो भैया अपन पिक्चर देख के वापस आ चुके हैं, और बीच में डीबी भी गए थे, बीच में आपने थोड़ा सा क्लिप देख लिया होगा। और ये मौसम देखो कितना खराब मिल रहा है। अब मैं थोड़ा कहीं आगे रुक के आपको मूवी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी अपन देखते हैं आज अपन दिन में क्या करने वाले हैं। तो भाई अपन देख चुके हैं मूवी, और बीच में मैं डीबी चले गए थे, मेरे को भूख लग रही थी। तो भाई देखो सीधी चीज बताऊँ, मूवी तो देखने लायक है कसम से, फर्स्ट हाफ से ज्यादा बढ़िया मेरे को भाई इसका सेकंड हाफ लगा। फर्स्ट हाफ तो है ही, लेकिन जो सेकंड हाफ की भाई जो स्टोरी है ना, जो तो शाहरुख खान का लुक है तो वो एपिक है भाई। इंटरवल के बाद जो मजा आता है ना, एक बार तो देखनी चाहिए, मेरे तो सबको देखनी चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज भी है, खासकर लास्ट में बहुत अच्छा मैसेज है। आपने शायद देख भी ली होगी, मैंने बहुत लेट देखी मूवी, क्योंकि मेरे को शोर शराबे मूवी देखनी नहीं थी। बाकी तो मैं डीबी गया था, डीबी पे बर्गर सिंह से हमने लिए थे सैंडविच, एक था चुरमुर, क्या था चुरमुर पांडे, कुछ नहीं था, चिकन पैटीज थी, और चुरमुर खाने के लिए उसको बीच में चिप्स डाल दिए थे छोटे छोटे, और उसका सॉस का टेस्ट अच्छा था। और एक वेज था, क्या था उसका वेज का नाम मैं भूल गया यार, निक्कू पेटी ऐसा कुछ नाम था उसका, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था यार, मजा आया उसको खा के भी, उसका भी सॉस ही अच्छा था। बाकी पेटी तो एक ही, चिकन की और वेज वाली एक ही जैसी लग रही थी। तो बस चलो भाई अब घर निकलते हैं। और हाँ भाई, हर बार देखो अल्टिका का ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को भी चैनल पर डिफरेंट चीज़ें डालनी है, मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, तो इस पर भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। बाकी 1800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे, पिछले हफ्ते ब्लॉग नहीं आ पाया था, 13 दिन हो गए, ये सैटरडे को आ रहा है ब्लॉग, सैटरडे को आप सुबह देख रहे होगे ये ब्लॉग भाई, इस पर भी सपोर्ट दो थोड़ा सा। दिसंबर तक मैंने टारगेट लिया है यार कि 5000 सब्सक्राइबर करने हैं कुछ भी करके। बाकी सपोर्ट बना रहेगा तो अपन क्या पता 5 के 10 कर लेंगे। तो भाई मैं ये बोल रहा था कि तुम्हें अल्टिका के अलावा कोई भी कार के बारे में ऐसी तुम्हें नॉलेज चाहिए हो तो एक बार मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना, या किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ जो जितना हो पाए कि मैं सबका रिप्लाई दूँ। आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लग गए हैं यार, और इंस्टा पे बहुत ज़्यादा डीएम आने लग गए हैं। तो इंस्टा की लिंक तो मेरी नीचे है अपना डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ से मेरे को इंस्टा पे फॉलो भी कर लो, और साथ ही साथ मेरे को कुछ भी सवाल पूछना हो तो वो पूछ लेना। और ऐसा मत सोचना कि भाई मेरे पास अर्टिगा है, हेक्टर है, चूंकि इसके बारे में मालूम होगा, मेरे को बहुत सारी गाड़ियों के बारे में नॉलेज है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गाड़ियां चला रखी हैं। अभी मैं जब ब्लॉगिंग नहीं करता था तब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और बहुत सारी गाड़ियां मैंने चला रखी हैं। गाड़ी खरीदने के चक्कर में हर एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ, छोटी से लेकर बड़ी तक हर टाइप की गाड़ी चला चुका हूँ मैं, और हर ब्रांड की चला चुका हूँ। मेरे हिसाब से कुछ ब्रांड बचे हैं जो अपने यहाँ है ही नहीं, मतलब भोपाल में एमपी में नहीं है, बाकी अपने बीमर वगैरह ये सब तो सब चला चुका हूँ मैं। तो इससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो तो तुम्हें बस डीएम में कमेंट करना है। भैया मेरा छोटू भैया लियो, ये मेरा छुटकू, इसको पुचका बोलता हूँ, पुचका पुच्ची बोलता हूँ ज़्यादातर, उसका नाम सब अलग अलग बोलते हैं घर पे, इसका कोई नाम नहीं रखा गया। ये तो डायना है मोटी सी, बैठ जा बेटा, खा ले रोटी खा ले, डायना तू भी खा ले, हेलो बोल दो रही हो सबको, हेलो हेलो बोल दो, हेलो हाँ हेलो। तो भाई आ गए हम फाइनली घर, अब देखते हैं आगे दिन का क्या प्लान है। शाम को वैसे मैं तो मैं जिम जाता हूँ यार, अभी कितना बज रहा है, 4:19 हो रहा है, शाम को तो वैसे मैं जिम जाता हूँ 6 बजे करीब, लेकिन आज देखता हूँ शायद कुछ काम पड़ जाए तो नहीं जा पाऊँ, चलेंगे तो बताएंगे। जिम को लेके ही एक अनाउंसमेंट है, वो थोड़ा सा कन्फर्म हो जाए वो फिर बताऊँगा तुम्हें मैं। तो भाई टाइम देख लो,
7:30 हो रहा है और पानी अभी भी गिर ही रहा है। अरेरा कॉलोनी जा रहा हूँ मैं फिर से यार, क्योंकि मम्मी को लेने जाना है बुआ के घर पर, क्योंकि बुआ आई हुई थी, तो बस वहाँ निकल रहा हूँ। 1 घंटा लगेगा फिर। फ़ोन में बैटरी नहीं बची है यार, तो फ़ोन थोड़ा सा चार्ज पे लगाऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो आगे दिखाऊंगा। चलो फिर चलते हैं। तो भाई मेरे को अभी पता चला थोड़ी देर पहले, मैं बताना भूल गया था घर से निकलते निकलते, इंस्टा पे मैंने देखा भोपाल में लग गया हाई अलर्ट, क्योंकि भाई पानी भर रहा है। और किसी ने वीडियो डाली थी इंस्टा पे कि भाई VIP भी भर गया सुबह में, जबकि सोचो VIP रोड से आया हूँ वापस, और दोपहर तक मैं वहाँ VIP में पानी भर गया। तो अगर भाई सही है तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि ऐसा था या वो किसी ने पुराना वीडियो डाला था, क्योंकि पुराना तो लग नहीं रहा था, वो अभी का ही लग रहा था। बाकी तो भाई सेफ रहो, गड्ढे वड्ढे देख के चलो, क्योंकि अपने बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं यार, पानी भर जाता है उसमें, फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो तुम भी सेफ चलाओ, मैं भी सेफ चलाऊंगा। अब सीधा मैं आगे मिलूंगा, या कुछ दिखता है इंटरेस्टिंग तो दिखा देंगे। भाई ये चल रहा, देखो मेट्रो का काम है, देखो ये चल रहा, ये देखो कैसे उतार रहा है गाड़ी। अभी अपन जा रहे हैं भाई होशंगाबाद रोड, क्योंकि बुआ लोग कुछ सामान भूल गए थे तो हम लौटाने जा रहे हैं, वो रास्ते में ही है, वो जबलपुर जा रहे हैं अभी। तो भैया सामने हो गया एक्सीडेंट, वैगनआर वाले भाई, कुछ हुआ नहीं है, देखो जबरन में लड़ रहे हैं खाले खड़े होके, दोनों की गाड़ी में कुछ भी नहीं आया, हल्का फुल्का स्क्रैच ही आया होगा। देखो भाई ये देखो टैलेंट दिखाई नहीं होगा तुम्हें, बीच रोड में मोबाइल चलाने का। भाई अपन आए तिलकराम स्वीट्स, देखो पहली बार, मतलब पहली नहीं दूसरी बार आए, व्लॉग में पहली बार दिखा रहे हैं। अपन को लेना है पनीर, भूख लगी है, टाइम देख लो 10:14 हो रहा है। ये मैं घर जाकर वापस आया, मैंने व्लॉग नहीं किया था, तो चलो जल्दी खाना ले लें फिर व्लॉग एंड करेंगे। भाई फास्ट सर्विस बहुत तेज थी यार, 5 मिनट के अंदर भाई ने अपन को पार्सल दे दिया, तो सर्विस तो बहुत सटीक थी यहाँ की, खा सकते मतलब पार्सल ले सकते हो तुम, लेकिन अंदर बहुत भीड़ थी इसलिए मैंने अंदर वो दिखाया नहीं, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता। भाई तुम क्वांटिटी देख रहे हो, 185 रुपीज़ में इतनी भर के क्वांटिटी है तिलकराम में। तो भाई सुबह जितने बजे से मैंने व्लॉग चालू किया था उतने बजे ही मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ व्लॉग को, और जो मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग बताया था कि मैंने फ्री में टिकट कैसे बुक की, तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वो चीज़ देख लेना, क्योंकि मेरे पास अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मेरे को ब्लॉग एंड करना है, ब्लॉग बहुत बड़ा बन गया, उसके बाद एडिट करना है, तो वो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करना, 1 मिनट की रील देख डालना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि टिकट कैसे बुक करनी है। तो भाई तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।